नौजवान को कुछ नहीं कहनी, शराब कई बार दिन में पी लेता है बंदा। मैं तो दारू नहीं पी रखी, मैं पुलिस थाना में भी गया, थाने वाले ने भी देखा मैं दारू नहीं, मेरे पे दारू का ब्लेम लगा, मैं डॉक्टर की करवा लिया। कम रखिए भारद्वाज जी, और इस तीन शहर की तरक्की और विकास का पहिया जो घूमा उसके अंदर पंडित रघुवीर भारद्वाज जी का जितनी भी आज तक हो पाए उसमें विशेष योगदान रहा। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, कंडेला क्लब के प्रधान ओम प्रकाश रेडू जी, कंडेला क्लब के संरक्षक ईश्वर सिंह रेडू जी, हमारी जो सुनार समाज की सभा है उसके अध्यक्ष बनारसी दास वर्मा जी, हमारे अध्यक्ष पंडित हरिराम दीक्षित जी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मेरे बुजुर्ग पंडित सियाराम शास्त्री जी, हमारे एससी समाज के नेता कांग्रेस का नाश कर दिया दिया। मैं कांग्रेस का उखाड़ ये करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? क्या ना रहने वाले नाम इगरा सज्जल रेडू इगरा। हाँ, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं उखाड़ ये करता हूँ कांग्रेस का। हम कहाँ जाएं? किस गुट में जाएं? बिल्कुल मैं कांग्रेस का हूँ। सज्जल इस नौजवान को कुछ मत कहो। देखो भाई ऐसा है, रेडू साहब, इस नौजवान को कुछ नहीं कहनी, शराब कई बार दिन में पी लेता है बंदा। हाँ, इसको देखो प्यार से ना छोड़ दो। हेलो, ये साउंड ऊपर चल रहे हैं जी। कोई बात नहीं, ऐसा है जी, गर्मी का समय, दारू चढ़ती भी ज्यादा है इस समय। हाँ जी भाई साहब, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस को रणदीप गुर्देवाला ने, कई गुटों ने अलग अलग बांट दिया। हम वर्कर कहाँ जाएं? वर्करों ने मुश्किल हो रही है, मतलब इस टाइम क्या करे वर्कर। मैं जनता हूँ, मैंने जनता की आवाज उठाई है, और मैंने कभी मैंने दारू नहीं पी रखी। मैं पुलिस थाने में भी गया हूँ, थाने वाले ने भी देखा मैंने दारू नहीं, मेरे पास दारू का ब्लेम लगा, मेरी डॉक्टरी करवा लो। मैं कार्यकर्ता हूँ, सॉलिड कार्यकर्ता, लेकिन जय सुरजे वाले द्वारा जो कह के इनको मरवाया है मेरे को वर्करों को, ये ठीक नहीं किया इन्होंने। मेरे को बोल देते, मेरे से बात कर लेते, मैं सब सीधा सवाल जवाब कर दूंगा, वैसे कहीं काउंटर पर आके बात कर लो। मैं को आज का कार्यकर्ता नहीं, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ मैं। और वैसे तो इन्हें रिश्ते घिनौना काम किया, जो वर्करों को साथ लगा दिया मेरा, पीटो इसको पीटो, मतलब बहुत भारी गलती की है इसने, मतलब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को ये बांट रहा है, बहुत गलत कर रहा है।